जगन्नाथ अप्पा शिंदे जिस तरह से धर्म व जाति को ना देखते हुए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये बात ठाणे के पूर्व सांसद संजीव नाइक ने शिंदे के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। नायक ने कहा कि शिंदे विधान परिषद सदस्य और मेडिकल एंड ड्रग्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बिना किसी भेदभाव के आपातकाल में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उनका ये सेवा भाव बेहद सराहनीय है। शिंदे के जीवन के 67 वर्ष पूरे होने पर निर्बल सहायता समिति के अध्यक्ष आर.एन. यादव की ओर से खारघर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। समिति 2006 से शिंदे के जन्मदिन पर सम्मान समारोह का आयोजन कराती आई है। आर.एन. यादव ने कहा कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। इस कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद 67 महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई। इसके साथ ही समाज में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले रामनारायण यादव, सुनील मस्कर व भरत यादव को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिवसेना नेता रामकृष्ण घरत, नगर सेवक लक्ष्मीकांत पाटिल व पूर्व सहायक आयकर आयुक्त जगपत यादव प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितेंद्र यादव और कपिल यादव की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र पांडे ने किया। अपना यानी के जगन्नाथ शिंदे जो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, उनको कौन है क्या है, बैठे तक अधिकतर लोग अपा जी को अच्छी तरह पहचानते हैं। विधायक ये महाराष्ट्र की, देश की और प्रजातंत्र की एक ऐसी मजबूत कुर्सी है जिसके ऊपर आप बैठकर समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अप्पा आमदार है, लेकिन अप्पा जी को आमदार मिलना यानी कि वो आमदार जी का बड़ा सम्मान है, ऐसा मैं कहता हूं। अप्पा अपने आमदार के ही ऊपर है। अभी जिक्र किया यादव साहब ने कि विधायक होता है, सांसद होता है, वो अपने क्षेत्र के लिए होता है। अप्पा ऑलराउंडर आदमी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहीं भी जाइए। और ये मैं बड़ी बात उनके सामने करता हूं ऐसी बात नहीं है, एक आम परिवार से आकर इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, उसके बावजूद भी सर्वसामान्य रहना, आमतौर पर रहना, ये बड़ी बात होती है। आदमी बड़ा होने के बाद आदमी के कदम उछलते हैं, आदमी को जमीन को छूने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बोलता है मैं तो ऊपर हूँ तुम तो नीचे हो। लेकिन अपना ये ऐसे शख्स है जिन्होंने कभी जात ना देखी, ना उन्होंने धर्म देखा, ना तुम कौन से प्रदेश से हो, क्या करते हो, गरीब हो अमीर हो। जैसे हमारे दादा गणेश जी नाई, इन्होंने भी हरदम अप्पा के बारे में, उनके कार्य के बारे में हरदम सराहना की है। और आज हमको खुशी है कि अप्पा जो सबके अप्पा है वो हमारे अप्पा है।